ऊना के गवर्नमेंट कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई का गठन किया गया। संगठन मंत्री अमन राणा इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने नए स्टूडेंट को नई जिम्मेदारी सौंपी। तरुण जैलदार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऊना इकाई का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि अंकिता को इकाई मंत्री बनाया गया। इसके साथ साथ युवा साथियों को भी जिम्मेदारियों से नवाजा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई का प्रमुख मकसद कॉलेज में विद्यार्थियों को आ रही मुश्किलों को हल करवाना और उनकी सहायता करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऊना इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष तरुण जैलदार ने कहा कि ऊना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई का आज गठन किया गया, जिसमें संगठन मंत्री अमन राणा ने मुख्य रूप से शिरकत कर विद्यार्थियों को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऊना इकाई की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जिसका वे कर्तव्य के साथ पूरा निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जो समस्याएं आ रही हैं उनको हल करवाना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज एएफपी इकाई का गठन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी परिषद की ऊना इकाई की आज इकाई का गठन किया गया, जिसमें विकास संगठन मंत्री अमन राणा जी, जिला सहयोगी विनोद ठाकुर जी मौजूद रहे। नई कार्यकारिणी में तरुण जैलदार जी को अध्यक्ष का दायित्व और अंकिता जी को इकाई मंत्री का दायित्व दिया गया और अन्य कार्यकर्ताओं को बीए प्रमुख, इकाई सह सचिव, वाइस प्रेसिडेंट आदि का दायित्व सभी को दिया गया। जिसके और इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग प्रमुख निर्धारित किए गए हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट की गतिविधियां देखेंगे। बच्चों को आने वाली हर प्रॉब्लम का वो समाधान करेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे। बस तरुण ठाकुर, आज आप क्या यहाँ पे के नए इकाई के आप प्रेसिडेंट बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऊना इकाई की नव कार्यकारिणी में कार्यकारिणी का गठन हुआ। इसमें विभाग संगठन मंत्री अमर राणा जी व नव कार्यकारिणी का मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना काबिल समझा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ व आशा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व को अच्छे से निभाऊंगा। धन्यवाद। ठाकुर साहब, ये बताएं कि जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं जी, आप उसको किस तरह से निपटारा करेंगे? जैसे सभी ब्लॉक के अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, उनको सभी को बताया गया है कि जैसे ऐसे काम करना है, उससे बच्चों को थोड़ी हेल्प मिलेगी। हम पहले भी कार्य करते आए हैं, आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे एबीपी के लिए। धन्यवाद। वहीं इस मौके पर अंकिता ने भी नई जिम्मेदारी मिलने पर संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। अंकिता ठाकुर, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नव कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मुझे विभाग संगठन मंत्री अमर राणा जी ने इकाई मंत्री का दायित्व दिया गया। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सभी छात्र छात्राओं के हित के लिए काम करूँगी। क्या दायित्व क्या रहता है? इकाई मंत्री क्या दायित्व क्या रहता है? इकाई मंत्री का दायित्व दिया गया है ना, क्या रहता क्या है दायित्व क्या होता है? अध्यक्ष के नीचे वाला दायित्व।